मैं एक बार आपसे पटना में भी मिला था, लेकिन मैं आपके सामने बात रखा था मांग भाव, शायद आपको किया होगा नहीं। दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा हमारे गरीब शोषित पीड़ित लोग बचे हुए हैं, लेकिन बार बार डीएम साहब से पर्चा की मांग किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस राज्य में जितने भी हम दलित शोषित पिछड़े हैं, वो आपसे अपना बात से नहीं करेंगे तो किसे करेंगे मांग भाव। मैं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आपका ध्यान पुनः एक और आकर्षित करना चाहूंगा कि आप हमारे बातों पर अमल करें और हमारे जितने भी शोषित गरीब लोग हैं उनके दुख दर्द को सुनते हुए उनका सारा काम बात आप संभालने का कृपा प्रदान करें। मैं इस अवसर के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दर्जन को आगे बढ़ाते हुए पूर्व माननीय मुख्यमंत्री बाबू श्री जीतन राम मांझी के द्वारा गठबंधन से दर्जन मधेपुरा पहुंचे हैं। आप अनुमंडल से हम आगे आपसे गुजारिश है कि आप जहां बैठते हैं हाउस में ये आवाज उठनी चाहिए। हमारे बीच में बिहार सरकार ने जो आपके पिताजी ने जो लागू किए थे शिक्षा में 16 सबक प्लस विकास मित्र, उनकी क्या स्थिति है? आदरणीय मंत्री साहब, आपसे इन तमाम महिलाओं के और उपस्थित जो इस कला भवन में लबालब जनसंख्या है, आकांक्षा है कि ये हमारी बात हाउस में गूंजनी चाहिए, हमारी बात हाउस में गूंजनी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा माय गे कतेक बात हम लिखबो, अब ते आस नहीं छो बचबो। माय गे कतेक बात हम लिखबो, अब ते आस नहीं छो बचबो। सासे हमारे हर जाइगे की लिखबो, सासे हमारे हर जाइगे की लिखबो। तीनों नांद मिली पक रहे छो झोट गे, तीनों नांद मिली पक रहे छो झोट गे। बुढ़िया हर जाइया धीप बैछो गाज गे, मागे गतर गतर दागल चो, मागे गतर गतर दागल चो, अब ते आस ने छो बचबो। मधेपुरा की पावन पवित्र धरती पे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सुपुत्र डॉक्टर संतोष कुमार मांझी पधारे हुए थे। हम लोगों ने उसके बैठक में हम लोग ने साथ लिए, हम सभी गरीब लोग हैं, हम लोग उसके बैठक में साथ लिए। हम लोग उनके पूर्वज के वंश से हैं। हम लोगों को ढेर सारी कठिनाइयां आती है, हम लोगों ने अपनी बात को मंत्री साहब की अध्यक्षता में रखी। हमारी बातों को आश्वासन डॉक्टर संतोष कुमार मांझी ने किया और बोले कि आप लोगों की गरीबी में सुधार लाएंगे। क्या नाम हुआ? पूनम कुमारी।